Hello students, how are you? I hope you all are fine. Let's start. In this lecture, we are going to learn nouns, male and female. इसके पहले के लेक्चर में हमने ऑलरेडी नेम्स पढ़ लिया था, राइट? नेम्स, नाउन्स, नेमिंग वर्ड्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट? नाउ द थर्ड पार्ट इज नाउन्स, मेल एंड फीमेल. सम नाउन्स show the difference between male and female. This is called the difference in gender. Now, कोई nouns है जो हमें difference बताते हैं, like ये male है या female है. Male means पुरुष और female means स्त्री, means ladies, girl, boy, right? So ये difference को हम क्या कहते हैं? Gender कहते हैं, right? Now here you see the example. Man, man and woman. So man comes under male and woman comes under female. Boy comes under male and girl comes under female. Like in animals also, hen and cock. The word man, woman, boy and girl tell us whether they are male or female. Matlab boy hai, girl hai, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, राइट? ये हमें क्या बताते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. मेल में कौन आता है? तो मेल में ऑलमोस्ट बॉय, मैन, ग्रैंडफादर, राइट? और फीमेल में कौन आता है? और फीमेल में कौन आता है? लाइक योर मॉम, योर सिस्टर, योर ग्रैंडमदर, ना? यस, दे ऑल आर कम्स अंडर फीमेल. Man and boy refers to males and woman and girl refers to females. In animals, hen is a female and cock is a male. Animals में भी जो hen है उसे female में आता है और cook है वो male में आता है. Instead of male and female, in grammar we use the words we use the word masculine and feminine. Yes, हम ग्रामर में उसे क्या करते हैं? Masculine and feminine. Write the nouns of opposite gender in the blanks. कि हमें names लिखने हैं. Opposite means uncle है, so uncle का क्या आएगा opposite? Aunt, right? Then नेज़े, तो nephew. नेज़े और nephew क्या है? तो जैसे आपके अंकल या आंटी है, सो उनके जो बच्चे हैं उन्हें nephew या नेज़े कहते हैं. Gentleman, सो lady. Grandfather, grandmother. Queen, king. Landlady, सो landlord. अब ये लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड क्या है? जैसे कोई मकान होता है, राइट? कोई मकान होती है, सो उसका कोई ओनर होता है, या तो वो मेल भी हो सकती है या फीमेल भी हो सकती है. हम उन्हें रेंट पे करते हैं, हाउस रेंट, राइट? तो उन्हें लैंडलेडी या लैंडलॉर्ड भी कहते हैं. डॉटर, सो डॉटर का क्या आएगा? सन. प्रिंसेस, प्रिंस. सिस्टर, ब्रदर. वाइफ, हस्बैंड. विच, विच क्या है? सो विच इज अ, विच हम किसे कहते हैं? सो जो जादूगरनी होती है उसे हम विच कहते हैं. तो विच का ऑपोजिट विजार्ड, मीन्स जादूगर. ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Read, write the sentences replacing the underlined nouns with nouns of opposite gender. Means हमें opposite gender लिखने हैं. Okay. His brother loves cycling. So brother का opposite you know very well, sister. So his sister loves cycling. The manager wants to meet your husband. So husband का opposite wife. The manager wants to meet your wife. The king loved his daughter. So opposite is son. The king loved his son. Her father is a teacher.
सो द ऑपोजिट इज हर मदर इज अ टीचर. दैट बॉय इज माई नेफ्यू. सो करेक्ट आंसर इज दैट गर्ल इज माई नेफ्यू. नहीं आएगा क्या आएगा? नीस. द प्रिंस हैज अ हॉर्स. तो हॉर्स का ऑपोजिट द प्रिंसेस हैज मेयर. मेयर मीन्स हॉर्स में मेल और फीमेल भी आते हैं, राइट? सो जो मेल होते हैं उसे हॉर्स कहा जाता है और जो फीमेल होते हैं उसे मेयर कहा जाता है. ओके, आई होप यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर. थैंक यू.